हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू विंग ट्रेडर ट्रेडिंग सिस्टम। अगेन मैं आपको हमारे सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर के लाइव मार्केट के साथ आई हूँ। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर ने आज यानी कि 31 जनवरी के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये मैंने पूरी मार्केट के अंदर आपको दिखा रही हूँ रोज की तरह। इसमें मैंने बहुत सारे इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सबका शेयर्स मैंने ओपन करके रखा है। इक्विटी का मैंने रिलायंस है, टाटा मोटर्स, और आपको भारतीय एयरटेल दिखा रही हूँ, और कैनरा बैंक। और आपको कमोडिटी में मैंने निकल और क्रूड ऑयल, और करेंसी में मैंने यूरो, यूएसडी, यूरो एयूडी एंड एयूडी यूएसडी, ये तीनों का चार्ट मैंने दिखा रही है सबका मार्केट में। आज का हमारे जो सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, ये हम लोग लाइव मार्केट के अंदर आज चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाटा मोटर्स की तरफ जाते हैं। टाटा मोटर्स में ये देखिए, यहाँ से मार्केट का आज का ओपनिंग हुआ था। यानी कि हमारी जो सॉफ्टवेयर विंग ट्रेडर के हिसाब से ये वाइट कलर डेप देकर लाइन से मार्केट का आज का ओपनिंग हुआ था। इसमें कॉर्नर में चलते रहते हो लाइन मार्केट रेट है। यानी कि आपको कोई भी चार्ट यहाँ पे ऐड करते हो, ये कॉर्नर में आपको लाइव रेट दिखेगा। इसमें ग्रीन कलर अप आरो दिख रहा है, ये बाय सिग्नल है, और रेड कलर डाउन आरो सेल सिग्नल है। ये दोनों अपना ऑटोमेटिक सिग्नल्स है, दोनों आते हैं जब भी आते हैं। जैसे कि अभी आप खंडी की आवाज़ सुन रही हो, इसमें जैसे ये बेल साउंड के साथ आपको अलर्ट मिलते रहेगा। बार बार ऐसे खंडी की आवाज़ आपको सुनाई देगा अलर्ट आया करके। इनकेस ये क्लोज कर दिया तो भी लेटेस्ट सिग्नल की एंट्री प्राइस यानी कि आपको ऊपर होगा। ये देखिए लेटेस्ट सिग्नल आए थे, वो कौन से डेट को, उसका एंट्री प्राइस क्या है, उसका डेट क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, और उसके हिसाब से कितना टारगेट यहाँ पे है और कॉस्ट ऑफ लॉस, वो सब डिटेल्स आपको ऊपर नीचे मिला होगा। ये लेटेस्ट अभी इसमें देखिए, ये जो टाटा भी अभी मार्केट क्लोज होने वाला है, यानी कि 317 हो गया, तो इसमें ये मार्केट ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो इसमें हमारे सॉफ्टवेयर ने तीन सिग्नल दिया, एक बाय, एक सेल, एक बाय, तो टोटल तीन सिग्नल दिए हैं। तो ये बाय कन्फर्म है, मॉर्निंग में जब आए थे कन्फर्म नहीं था, यानी कि आपको जब कन्फर्मेशन आपको ये पॉइंट से मिला है, और सेल जो है वो भी कंफर्म नहीं था। इसमें पूरी इसका मतलब टाटा मोटर्स में आज पूरी मार्केट में बाय ट्रेंड ही था। तो इसका मतलब आपको मॉर्निंग से ये पॉइंट से ले सकते थे, यानी कि बाय इनकेस किसी ने लिया है तो ये 50 में एंट्री ले सकते थे। 50 1020 को या अप्रॉक्सीमेट 11 को आए थे, तो उसके बाद 508 तक गए थे, यानी कि 4-5 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया है ये बाई कॉल में। उसके बाद एक मार्केट थोड़ा नीचे जाने के लिए कोशिश किया था पर हुआ नहीं है। उसके बाद एक गेन, फिर मार्केट ऊपर गई थी। इन केस किसी ने यहाँ पे एक्सिट कर लिया तो भी आपको दोबारा यहाँ से सॉफ्टवेयर फिर से री एंट्री दिया, 508 में दिया था, उसके हिसाब से तीनों टारगेट अचीव है, 511 तक पहुँच गए थे, यानी आपको एंट्री ले सकते थे ये पाला पॉइंट पे या 508.1, तो उसी में से लेकर कम से कम 518 तक मार्केट गए थे। तो यानी कि अप्रॉक्सीमेट 10 पॉइंट्स आराम से हमको यहाँ से मिला है। तो टोटल आज की प्रॉफिट तो 10+4 अप्रॉक्सीमेट टोटल 15 पॉइंट्स के हिसाब से ये जो टाटा मोटर्स में आपको टोटल प्रॉफिट इसमें मिला है दो सिग्नल के हिसाब से। पहले भी मैंने अपना वीडियो में बता चुकी है, तो कोई भी सिग्नल आता है तो आपको कन्फर्मेशन देखना है, वो तो आपको पता होगा, तो ऑलमोस्ट मेरे वीडियो देख चुके हैं, सबको पता होगा कन्फर्मेशन कैसे चेक किया जाता है। कैंडल कलर, बार कलर और प्राइस एंड बाय साउंड, ऐसा तीनों साथ में आया तो ये सेकेंड कैंडल के ओपनिंग रेट को एंट्री ले सकते हैं। इसके हिसाब से मैंने बोला था ये पॉइंट पे आपको एंट्री लेना है, रेसिस्टेंस ब्रेक करने वाला था, यानी कि रेड कलर स्टार रेसिस्टेंस लेवल है, ये लेवल ब्रेक कर दिया आने वाला था, ये पॉइंट पे हम एंट्री ले सकते 504। तो अप्रोक्सीमेट कितना पॉइंट तक गए थे, 508 तक पॉइंट गए थे, 4 पॉइंट्स यहाँ पे आराम से हम आप लोग कमा सकते थे। उसके बाद ये बाय भी, इनकेस मॉर्निंग में किसी ने लिया नहीं है तो भी ये लास्ट में 1 बज गए थे तब मार्केट में एंट्री फिर से ले सकते थे। ये आज की टाटा मोटर से। नेक्स्ट आपको आज का रिलायंस जैसे आपको दिखाती हूँ, ये मॉर्निंग में ये देखिए, यहाँ से एक आपको बाय कॉल मिला है तो अप्रोक्सीमेट आप ले सकते थे ये पॉइंट में 237 में आप ले सकते थे। तो यहाँ से लेकर 2371 से लेकर 2406 तक मार्केट गए थे आराम से, ये बाय कॉल आपको मिला है। तो अप्रोक्सीमेट कहाँ से, ये इनके थर्ड कैंडल में एंट्री लिया तो भी ठीक था,
तो आपको 2371 से लेकर 2408 अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट्स का आराम से प्रॉफिट मिला है। उसके बाद ये जो सेल आए थे कंफर्म नहीं था, ये जो लास्ट में सेल आई थी यानी कि अप्रोक्सीमेट 1:35 में एक सेल आई थी, वो सेल कंफर्म नहीं था जब आए थे, क्योंकि आप ले नहीं सकते थे। इसमें ये पूरा साइडवे मार्केट दिया था, यानी कि अब मैं पहले भी अपना वीडियो में बता चुकी हूँ, हमारी जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से ये जो साइडवे इंडिकेशन दे रही है, यानी कि एक्स्ट्रा कलर्स इसमें ग्रीन और रेड कलर के अलावा जो भी एक्स्ट्रा कलर्स इसमें आते हैं, वाइट, ऑरेंज, ब्लू और काली कैंडल्स, ये सब साइडवे मार्केट है। तो साइडवे में आपको नहीं लेना है जब तक मार्केट यहाँ से फिर से थोड़ा ऊपर जाकर फिर हुए थे। इसके लिए कन्फर्मेशन हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ही दिए थे, तो आपको ये वाला पॉइंट पे ही नीचे बार ग्रीन रेड हुए थे और वहाँ पे सिग्नल ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिए थे, तो आपको यहाँ से ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट फर्स्ट टारगेट इसमें अचीव हो गया, 8 पॉइंट्स के हिसाब से अभी प्रॉफिट में हो। अभी भी मार्केट सेल में ही हूँ, अभी भी मार्केट क्लोज कर पड़ रही है। क्या होता है, ये हम लोग को क्या है, मार्केट जब क्लोज हो गए थे तब ऑलरेडी तो मार्केट क्लोज होने वाला था, तब किसी को ये सिग्नल लेना है थोड़ा सोच के ही लीजिए, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिर रहे थे ऑलरेडी 3 बज चुके थे, तो अभी मार्केट ऑलरेडी क्लोज होने वाला था। छोटा प्रॉफिट लेके एक्सिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो पॉसिबल है किसी को। ओके, ये नेक्स्ट ये रिलायंस का चार्ट है। नेक्स्ट आपको कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में आज पूरा दिन मार्केट में बाई ट्रेंड था। इसमें ये आप मार्केट में बाई सिग्नल मॉर्निंग में दिए थे 9:20 को, 2:42 में एंट्री लिया था अपन ने, 2:42 से ये 2:42.40 ये सेकेंड कैंडल का ओपनिंग रेट को एंट्री ले से, सेकेंड नहीं तो थर्ड 2:44 तब नीचे बार ग्रीन होने हो गया था सेकेंड कैंडल में, तो यहाँ पे मार्केट अच्छी तरह बाई में बदल गए थे 2:44 यहाँ से लेकर मार्केट देखिए यहाँ तक, यानी कि 2:54 अप्रोक्सीमेट 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसमें मिला है, 11.24। ये देखिए अभी मैं मार्केट बाई में हूँ, तो अभी 2:30 बजे री एंट्री भी दिया है, किसी ने नहीं लिया मॉर्निंग में तो भी री एंट्री में आप ले सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से तीनों टारगेट अचीव होने के बाद भी फिर से मार्केट उसी मोमेंट में है तो री एंट्री देगा, तो री एंट्री में आप एंट्री ले सकते थे। ओके, ये पूरा कैनरा बैंक, तो ये भी आज प्रॉफिटेबल था अच्छा हमारा से। और नेक्स्ट हमारा भारती एयरटेल, ये भारती एयरटेल में एक्चुअली यहाँ से मार्केट का ओपनिंग हुआ था, इसमें 2 सिग्नल सॉफ्टवेयर ने दिए थे, एक बाय एक सेल आए थे, मार्केट क्लोज होने वाला तब आए थे, यानी कि 3:10 के अंदर 7:29 में एंट्री लेने के लिए कहा था। 2 पॉइंट अभी 2 टारगेट अचीव होके मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि एकदम नीचे जा रहे थे, तभी कन्फर्मेशन ही नहीं आया यहाँ पे, तो इसके लिए नहीं ले सकते अपन। री एंट्री तो आई है पर मार्केट क्लोज होने वाला तब आए थे, तो इसके लिए नहीं लेना है अपन को। तो इसमें मॉर्निंग में एक बाई आई थी, बाई काफ़ी ले सकते थे, अच्छा बाई था, तो हमको सेकेंड कैंडल स्टार्टिंग पॉइंट में एंट्री ले सकते 7:28 से मार्केट मॉर्निंग गए थे 7:31 तक गए थे, 3 पॉइंट यहाँ से मिला। इनकेस वहाँ से किसी ने लिया नहीं है तो भी यहाँ से ले सकते थे, यानी कि आपको 7:23 में आपको ले सकते 7:23 में आप ले सकते सॉरी 7:24 में आप ले सकते थे, 7:34 तक मार्केट गए थे, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से फिर से आपको मिला है। ये पूरा आज का भारती एयरटेल का परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट आपको हम कमोडिटी मार्केट में चलते हैं। मैंने आज इक्विटी मार्केट का कैनरा बैंक दिखाया, रिलायंस दिखाया आप लोगों को, और टाटा मोटर्स, और आपको भारती एयरटेल, सबका परफॉर्मेंस आज दिखाया। और हम लोग कमोडिटी मार्केट का क्रूड ऑयल और हम लोग को निकल, ये दोनों का आज परफॉर्मेंस क्या है चेक करते हैं। तो इसमें ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने आज सेट किया है, इसमें यहाँ से मार्केट का आज का ओपन हुआ था, इसमें पूरा सेल में था मार्केट, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में क्या होते हैं, हम लोग 5 और 15 कोई भी टाइम फ्रेम हम सेट कर सकते हैं। मेजरली क्या है, थोड़ा रिवर्सल आते तो 15 मिनट्स इसमें बेटर रहता है, पर दोनों कंपेयर करके करोगे तो भी बेटर रहता है। इसमें क्या होता है, ये कल की सिग्नल की कंटिन्यूएशन आज गए थे, आज मॉर्निंग में नहीं ले सकते क्योंकि काफ़ी साइडवेज था,
तो बाई भी नहीं ले सकते, सेल भी नहीं ले, ऐसा था मॉर्निंग में, क्योंकि सिग्नल आया ही नहीं था। बाई आता है तो ये रेसिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, तो वो भी ब्रेक नहीं किया क्योंकि पूरा साइडवे निकल रहा था। तो अपन को बाद में सेल निकले थे, सेल यानी कि अप्रोक्सीमेट कितने बजे मैं बताती हूँ, सॉरी सॉरी अगेन। तो इसमें मार्केट में यहाँ से ये सपोर्ट यानी कि अप्रोक्सीमेट कित कौन से टाइम पे सेल आपको निकले थे मैं बताती हूँ। तो यानी कि आपको ये पॉइंट से ले सकते, ये सेकेंड कैंडल में आप आराम से उठा सकते थे। तो यानी कि आपको उसी टाइम का रेट 6580 था, तो अभी 6580 से तो आपको 6532 तक गए थे। तो आराम से कम आपको कितना पॉइंट है, 40 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट, 30-40 पॉइंट्स के हिसाब से आपको आराम से मिले थे। तो ये काफ़ी अच्छी सेल थी। तो अप्रोक्सीमेट आपको ये सपोर्ट लेवल फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल की बात कर रही हूँ सर मैं, क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए। तो सपोर्ट लेवल यानी कि ब्रेक कर दिया था, आराम से वहाँ से उठा सकते, उसी पॉइंट में हमारे सॉफ्टवेयर रीएंट्री भी देगा। तो रीएंट्री भी उसी पॉइंट में, यहाँ पे अगर रीएंट्री के लिए वेट करना है तो वेट कर सकते, नहीं है तो यहाँ से सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक करूँगी तो वहाँ से पोजीशन अपना उठा सकते। ये पॉइंट पे आप उठा सकते थे, वहाँ से लेकर इतना तक गए थे, यानी कि देखिए 30 तक आए थे अप्रोक्सीमेट। तीनों टारगेट अचीव किए थे हमारा। ओके, नेक्स्ट हमारा निकल। निकल में आज बाई भी था, सेल भी था। आज मॉर्निंग में साक्षी का से सेल भी निकले थे, नेक्स्ट बाई भी निकले थे। जिसमें सेल आपको मिला था ये पॉइंट से, आपको यहाँ से सेल कॉल आई थी, तो आपको ले सकते थे सेकंड कैंडल में, यानी कि आपको 1685 से उठा सकते थे, तो आपको 1668 तक गए थे। यानी कि अच्छी खासी प्रॉफिट इसमें मिला है, अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट्स के हिसाब से। तो उसके बाद सेल निकले थे, सॉरी बाई निकले थे। ये बाई लेटेस्ट आए थे एक बजे हमारे बाई निकले थे, तो उसमें 1684 में हम चिन्ह मिले थे। तो उसके हिसाब से अभी 17 पॉइंट्स, देखिए 7 अप्रोक्सीमेट 20 पॉइंट्स के हिसाब से आप ये भी हम प्रॉफिट में हैं। अगर किसी ने उठाए नहीं तो ये रेसिस्टेंस फिर से मार्केट ब्रेक कर दे, फिर से उठा सकते हो मॉर्निंग में यहाँ से आराम से। हमको कन्फर्मेशन यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिए थे, ये पॉइंट्स हम उठा सकते थे। 9999 से उठा सकते थे, 9703 चल रहा है सर, फिर से रेसिस्टेंट ब्रेक कर रही हूँ, इसका मतलब कंफर्मेशन के बाद हमको और एक्यूरेसी मिलता है ट्रेड करने का। तो यहाँ से एक्चुअली बाई निकले थे, उसके बाद हमको बाई कंफर्मेशन मिले थे ये पॉइंट से। तो ये पॉइंट से हमारे नीचे बार भी चेंज हुआ था, यहाँ पे भी। तो ये रेसिस्टेंट यहाँ से हम आराम से उठा सकते, 9999 से अभी 704 चल रहा है, अभी भी मार्केट बाई में ही जा रही हूँ वन से। तो ये देखिए काफ़ी रेसिस्टेंट ब्रेक करके फिर से मार्केट ऊपर जा रही, तो हमको कन्फर्मेशन यहाँ से एक्चुअली हो गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में AUD USD से पहले चलते, इसमें मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम सेट किया है। इसमें देखिए यहाँ से मार्केट का आज का ओपनिंग हुआ था, इसमें मॉर्निंग में सिग्नल मिले थे 7 बजे, यानी कि आज की 7 बजे आपको इसमें सिग्नल मिले थे, हमको उठा सकते थे यहाँ से। तो हमको कन्फर्मेशन इसी पॉइंट से ही मिला है, तबको सेकंड कैंडल में यहाँ से उठा 7015 से उठा सकते थे, 15 से लेकर अभी तक 7058 तक गए थे। यानी अप्रोक्सीमेट तीनों टारगेट अचीव किए थे, आपको 490 अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट्स के हिसाब से अभी प्रॉफिट मिला है। फिर से री एंट्री आई है, अगर मॉर्निंग में किसी ने देखा नहीं तो आपको री एंट्री आते हैं तो वहाँ से उठा सकते। ये फिर से बाई में ही जा रही हूँ क्योंकि रेसिस्टेंट यहाँ से ब्रेक करने वाले हैं, रेसिस्टेंट ब्रेक कर दे तो फिर से मार्केट आप ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूरो USD। इसमें भी मैंने 30 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम सेट किया है, इसमें भी मार्केट बाई में ही जा रही हूँ, मॉर्निंग से ही बाई है, क्योंकि कल की बाई की कंटिन्यूएशन आज जा रही हूँ। कल मार्केट थोड़ा सा कल बाई दिए थे, उसके बाद थोड़ा सा डाउन जाकर उसमें ऊपर गए थे। अप्रोक्सीमेट आप आज की पोजीशन ले सकते थे ये वाले पॉइंट पे, तो अप्रोक्सीमेट 1.1499 से ले सकते थे, यानी कि आप 793 अप्रोक्सीमेट इसमें आपको 300 पॉइंट्स के हिसाब से आपको आराम से प्रॉफिट मिला है।
ये यूरो यूएसडी में आज वन साइड मोमेंट है, बाई में ही जा रही है। 15 मिनट्स में क्या होता है, आप लोगों को कन्फर्मेशन और पक्का हो जाता है। तो इसमें छोटा छोटे पॉइंट वाइज चेंजेस होता है, छोटा छोटा रिवर्सल इसमें जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो ये 15 और 30 लगाएंगे तो आपके लिए बेटर है। 15 भी ओके है, 30 15 मैंने आपको दिखाती, ये देखिए 15 में देखिए दो टारगेट अच्छी हुए थे कल की। बाई इसको बाइक और लाई इसमें भी, तो इसमें भी आज रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया था, यहाँ से उठा सकते थे 1.1158 सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 1.11812 तक गए थे। आराम से 300 पॉइंट्स आपको यहाँ से प्रॉफिट मिला है। ओके नेक्स्ट यूरो एयूडी, इसमें पर सेल कॉल है। इसमें मॉर्निंग में कितने बजे, 12 बजे सेल कॉल दिए थे एक्चुअली। इसमें मॉर्निंग में 12 बजे से हमारे सेल कॉल मिले थे। इसमें 1.5820 में एंट्री लिए थे, तो और तीन टारगेट दिए थे तीनों। इसमें फर्स्ट टारगेट का लिए अच्छी किए थे, 260 पॉइंट्स हमें मिला है। अभी भी मार्केट सेल में ही यहाँ से फिर से ये ब्लू कलर स्टार यानी कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो फिर से नीचे जाएगा, तो ये फिर से री एंट्री देगा। ओके ये पूरी मार्केट की आज की परफॉर्मेंस है। इसमें मैंने आज पूरी मार्केट का एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको दिखाया है। इसमें अगर कोई भी लाइव मार्केट में अगर फिर से परफॉर्मेंस देखना चाहते तो मॉर्निंग से लेकर एंड तक लाइव डेमो, फ्री डेमो आपको मिल जाएगा। मेरा इसी नंबर में कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, आपको लाइव फ्री डेमो आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ। और अगर अदरवाइज हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, www.beingtradersoft.com हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको डायरेक्टली जाकर आपको डेमो फॉर्म भी फिलअप कर सकते हो, प्राइसिंग में जा सकते हो। यहाँ पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8139030994 ये मेरा नंबर है। 9 बजे से लेकर इवनिंग 9 बजे तक मैं कभी भी कॉल आते हैं तो मैं उठाती हूँ। कोई व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो कॉल भी कर सकते हैं। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूज, थैंक यू वेरी मच।